Hey guys, welcome back. So, उम्मीद करता हूँ आपका संडे अच्छा जा रहा हो और जाएगा। तो कल हम लोग कुछ बात कर रहे थे जेप्पे की, जो बात अधूरी रह गई, कल का लाइव पूरा नहीं हो पाया और उसके बारे में कवर करेंगे। और दो तीन और न्यूज़ जैसे कि स्टेबल क्वाइन, एक नया स्टेबल क्वाइन, नया स्टेबल क्वाइन नहीं बोलेंगे बट एक नया सोल्यूशन बोलेंगे जो वो भी करके एक्सचेंज है जो लॉन्च कर रहा है। और उसके अलावा एक बिटमैक्स जो सिंगापुरियन एक्सचेंज था वो लॉन्च आई थिंक इंडियन मार्केट में आने वाला है बहुत जल्दी। उन्होंने दिल्ली में रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने कॉइन डेल्टा और जियो ट्रस्ट जो क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस हैं उनके साथ भी टैप किया, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो वेलकम बैक और लेट्स बिगिन। सो मार्केट में ज़्यादा कुछ हालत नहीं है, मार्केट में थोड़ा सा ग्रीन है 0.75% जो 6400 था 6516 दिखा रहा, तो ज़्यादा हलचल नहीं है मार्केट में। न्यूज़ पे जाते हैं सीधे, तो बेसिकली आपने अगर रिसेंटली सुना होगा टेदर के साथ काफ़ी इश्यू हुआ था। इनफैक्ट बहुत पहले से इश्यू होते जा रहा है कि टेदर के ऊपर कि ये स्टेबल कॉइन नहीं है, ऐसा स्टेबल कॉइन जो मतलब वेरी करते रहता है विद टाइम विच इज़ नॉट गुड। सो बेसिकली वो भी करके एक्सचेंज है, उसने एक नया सोल्यूशन निकाला है जिसको बोलते हैं HUSD। मतलब ये कोई स्टेबल कॉइन नहीं है, मैं पहले से बता दूं। बेसिकली ये है क्या कि ये ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्टेबल कॉइन यूज करो, क्योंकि आप कभी कभी आप एक्सचेंजेस पे से जाओगे, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप सोचोगे कि मैं टेदर यूज करूँ या ट्रू USD यूज करूँ या USDC यूज करूँ, क्या यूज करूँ, राइट? सो बेसिकली वहीं पे लोग काम आते हैं। तो बेसिकली आप कुछ भी आप स्टेबल कॉइन लो वो सीधा HUSD में कन्वर्ट हो जाएगा जिनको सॉल्यूशंस है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कोई भी स्टेबल कॉइन आप यूज करो USDT USD, जैसे आप डिपॉजिट करोगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ये HUSD में। और लोग ये ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि अब आपको टेंशन की जरूरत नहीं है कि मार्केट टेदर का ऊपर जा रहा है प्राइस या ट्रू USD का क्या प्राइस है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक HUSD में रहेगा वो $1 ही होगा। तो बेसिकली मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जो कोई एक्सचेंज ने नहीं किया, मेरे ख्याल से पहली बार इन्होंने सोचा है। तो ऑब्वियसली आप देखोगे तो काफी एक्सचेंजेस कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके, और मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के रेट में अगर एक्सचेंज को कुछ अलग करना है और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो मेरे ख्याल से इसको देखते हुए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, ऑटोमेटिकली HUSD में कन्वर्ट हो जाता है, $1 रहेगा जब तक वो HUSD में है। उसके बाद अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपके पास अगेन चार ऑप्शंस हैं, आप उसको पैक्स में विड्रॉ कर सकते हो, USDC में विड्रॉ कर सकते हो, TUSD में विड्रॉ कर सकते हो या GUSD में विड्रॉ कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है फॉर जो टेदर का कॉन्ट्रोवर्सी चल नहीं रही है, अब जो स्टेबल कॉइन्स का कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उससे निकलने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं बिटमैक्स। सो बिटमैक्स इनफैक्ट ये मैं बहुत पहले शेयर करने वाला था, ये मुझे एक वीक दो वीक पहले ही मालूम पड़ गया था कि दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है बिटमैक्स कर रहा है, जिसमें जियो ट्रस्ट एक्सचेंज और कॉइन डेल्टा एक्सचेंज और क्विकएक्स ऐसे टेक्नोलॉजीज जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट इनफैक्ट मैं भूल ही गया आप लोगों से शेयर करना, बट ये दिल्ली में था, ली मेरिडियन होटल में था, कल हुआ था ये इनफैक्ट। तो अगर आपने अटेंड किया हो तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट में बता देना कि एंड कैसा लगा अगर आपने अटेंड किया है बाय एनी चांस, सो बता देना। तो बेसिकली हुआ क्या है कि बिटमैक्स एक सिंगापुर बेस्ड एक्सचेंज है, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है, उन्होंने टाइप किया है कुछ कॉइन डेल्टा और जियोटस के साथ, कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने किया है, यहाँ पे देख सकते हो। इनफैक्ट CEO ने बोला कि इंडिया इज सच अ स्पेशल प्लेस, सो आई वॉन्ट टू अनाउंस हियर वी आर हैप्पी टू अनाउंस अ पार्टनरशिप विद जियोटस एंड कॉइन डेल्टा। सो आप देख सकते हो तो काफ़ी लोग काफ़ी एक्सचेंजेस जो है इंडियन मार्केट को बहुत बड़ा मार्केट समझते हैं और यहाँ पे मार्केट ओपन करने की देख रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये बिटमैक्स का एक्सचेंज है, ऐसे दिखता है। लास्ट में जेप्पे पे आते गए, तो यस्टरडे हम लोग बात कर रहे थे जेप्पे की कि जेप्पे ग्लोबल हो गया, तो मैं एक्चुअली बताना चाहता था यस्टरडे की काफ़ी लोगों के लिए इंडिया में जो पहला एक्सचेंज था, जो पहला बिटकॉइन था वो जेप्पे से हुआ। इनफैक्ट मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि जेप्पे अगर नहीं होता वो टाइम पे 2015 में तो काफ़ी लोग बिटकॉइन को इंट्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि आप कौन से टाइम पे आपने एंट्री किया है 2017 या 2018 में, बट जेप्पे हैज़ बीन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
तो डेफिनेटली ये सैड बात है कि इंडिया को ज़ेपे को बंद करना पड़ा। मैं ये नहीं बात करना था कि उनका प्राइस क्या था, उनका बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस क्या था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से हर एक एक्सचेंज का अलग अलग प्राइस होता है, और मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं आज के डेट में जो ज़ेपे से काफ़ी बेटर है। सो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, मैं ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़ेपे हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंडियन मार्केट में। एक बात का मुझे प्राउड भी फील होता है कि ज़ेपे आज ग्लोबल गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अनाउंस किया है कि इनफैक्ट 20 जुरिस्डिक्शंस या इनफैक्ट मोर देन 20 जुरिस्डिक्शंस में वो लोग जा रहे हैं। तो एक बात अच्छी होगी ये कि अगर ज़ेप्टे सच्ची वाकई में एक बड़ा कंपनी बन जाता है ग्लोबली, तो इंडियन रेगुलेटर्स के लिए बहुत बड़ा लेसन होगा, बहुत बड़ी सीख होगी कि इतना बड़ा कंपनी को उन्होंने यहाँ से इंडिया से जाने दिया। एंड ऑब्वियसली आई थिंक इंडियन मार्केट इज ऑलवेज ओपन फॉर ज़ेप्टे, उनका सर्विसेज अभी भी चालू है, तो मेरे ख्याल से जैसे ही यहाँ पे रेगुलेशंस हो जाएगा, जहाँ से जैसे ही INR विड्रॉल चालू हो जाएगा, तो हो सकता है ज़ेप्पे यहाँ से फिर से रीओपन कर दे, अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है। बट अच्छी बात ये है कि ज़ेप्पे एक्चुअली एक ग्लोबल ब्रांड बनने जा रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा फील होता है कि भाई एक इंडियन ब्रांड आज पूरे मार्केट में छाया हुआ है, तो ये मुझे अच्छा लगा। सो यही शेयर करना था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ हैप्पी संडे, अमेजिंग संडे अहेड। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो तो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कमेंट में बता देना अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो टॉपिक आप जो चाहते हो कि मैं कवर करूं, और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस वीकेंड, बाय।